अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन नुमान है। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल KMC की। इसके अलावा मैं इंचार्ज ऑफ स्कैनी यूनिट 4 ऑफ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हूँ। आज जो है हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कोरोना वायरस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इशूज़ पे, जो कि हमारी ख़वातीन में मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चंस हैं, उनके वरीज हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर वरीज और जो उनके क्वेश्चंस उनके जहनों में आ रहे हैं, किस तरह वो विज़िट करें, डॉक्टर के पास जाएं और छोटे मोटे बुखार हो, खांसी हो, तबीयत ख़राब हो तो उसके मुतालिक वो ज़्यादा परेशान ना हो, रिलैक्स हो। सबसे पहला सवाल जो हमारी ख़वातीन के जहन में आता है कि आजकल ये कोरोना डिज़ीज़ फैली हुई है, COVID-19, इसकी वजह से क्या हामला ख़वातीन ज़्यादा प्रोन हैं, उनमें ज़्यादा चांस है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि प्रेगनेंसी जो है एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन है, यानी इसमें थोड़ी सी कुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। चूँकि किसी भी हामला खातून के पेट में जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसकी वजह से इम्यूनिटी ऑल्टर हो जाती है। अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी तो अल्लाह ना करे वो फीटस या वो बेबी का रिजेक्शन भी हो जाएगा। तो नेचर ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि वो बेबी को माँ के पेट के अंदर रखने के लिए उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से टिशू रिजेक्शन या फीटस रिजेक्शन या बेबी रिजेक्शन नहीं होता और कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्यूनो सप्रेस भी हो जाती हैं। इसलिए माएँ जो हामला ख़वातीन हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान सांस के इन्फेक्शन से, कुछ जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। तो ऐसी माओं को अपने आप बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगली बात मैं ये करना चाहूँगी कि इम्यूनिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, कब ज़रूरत पड़ती है? जब कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको फाइट करने के लिए हमारी जिस्म में कुछ इम्यूनिटी डेवलप करता है, कुछ एंजाइम्स की सूरत में होती है, कुछ सेल्स की सूरत में होती है। तो ये इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है उस इन्फेक्शन से, उस वायरस से लड़ने के लिए। तो हमारी ख़वातीन किस तरह से उस इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं? जहाँ तक प्रेग्नेंट वीमेन की डाइट का ताल्लुक़ है तो वो डाइट बेस्ट डाइट लें। इस वक्त जो है ना डाइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हर तरह की ख़वातीन से एड्रेस कर रही हूँ कि जितनी भी अच्छी डाइट वो ले सकती हैं, जैसे उसमें उनकी डाइट में गोश्त, अंडा, मछली, दालें, सब्जियाँ, ये सब शामिल हैं। हम गवर्नमेंट सेटअप में देखते हैं कि बाज़ ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो जो डाइट अफोर्ड कर सकें वो ज़रूर लें। इसलिए कि दालों में भी प्रोटीन होती हैं, सब्ज़ियाँ ले लें, मौसम के फल ले लें, इसलिए कि जो उसमें विटामिन सी होता है वो उनके इन्फेक्शन को कम कर सकता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है, उनके ग्रोथ में भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया हुआ है कि वो आयरन लें, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो आयरन लें, इसलिए कि हमारे पास जो पेशेंट हैं ज़्यादातर एनीमिक पेशेंट्स आती हैं और वो आयरन नहीं लेती। वो समझती हैं कि आयरन से पेट में दर्द हो जाएगा, आयरन से ये हो जाएगा। आयरन जो है अगर सूट नहीं कर रही है किसी को कोई स्पेसिफिक आयरन, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं। और आयरन बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेशेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। लेबर रूम में जब पेशेंट जाते हैं तो अगर आयरन की कमी होगी तो वो पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज या खून बहने वाले प्रॉब्लम भी हो सकता है। आयरन की कमी की वजह से इतने ज़्यादा मसले होते हैं कि मेरे ख्याल से इतने कम टाइम में बयान भी नहीं कर सकती। तो आयरन, विटामिन A, B, C, विटामिन D ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन ई भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए कि वो एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। तो अच्छी ग़िज़ा और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं या घर में वॉक कर लें ताकि उनके बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं लें, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहें और अपने ऊपर मुकम्मल तवज्जो दें। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों में, हस्बैंड में लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस जो है ना सबसे बुरी चीज़ होता है। स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी इतनी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मेरे ख्याल से अगर इम्यूनिटी बूस्टर्स चीज़ें हम लें, मगर एक जानिब से हम हर वक्त परेशान रहें कि हमें कोरोना ना हो जाए या हमारी फैमिली में किसी को ना हो जाए, या हम जो हर वक्त
टीवी की स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने की डेथ्स हो गई, तो मेरे ख्याल से ख़वातीन को, स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन को, इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, इतनी स्कोरिंग पे वो नहीं करना चाहिए, अपने घर में तवज्जो दें। थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते चलें कि जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट औरतों को फॉलोअप के लिए आना होता है कि जैसे 9 मंथ का ड्यूरेशन है उनकी प्रेगनेंसी में, तो यूजुअली ये होता है कि पेशेंट को जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं, ब्लड टेस्ट कराती हैं, और फिर डॉक्टर 7वें महीने तक उन्हें हर महीने बुलाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, खुदा खासा कोई ब्लीडिंग या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, और फिर 7वें से 9वें महीने तक हर 2 हफ्ते के बाद बुलाती हैं, और फिर 9वें महीने में वीकली बुलाती हैं, सिवाय उन पेशेंट में जो हाई रिस्क हैं या जिनको प्री टर्म लेबर हो रहा है, जिन्हें कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जिनके प्रीवियस सी सेक्शन से, या जिनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या वो तो कभी भी डॉक्टर्स के पास आ सकती हैं इमरजेंसी में। अब हम बात कर लेते हैं लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग की। तो वो ख़वातीन जो नॉर्मल हैं ब्रेस्ट फीड करवाएं, इसलिए कि ब्रेस्ट फीड से बेहतर कोई भी चीज़ बच्चे के लिए नहीं हो सकती, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो गया है, कोविड पॉजिटिव है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी तक हमने पेशेंट्स नहीं देखे, लेकिन जिन पेशेंट्स को हुआ है, जैसे चाइना की स्टडी है और दूसरे मुल्कों में हो रहा है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लें, इसलिए कि कोरोना वायरस जो है ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट नहीं होता। ब्रेस्ट मिल्क में सिर्फ एक वायरस आता है, वो जो एड्स का वायरस है या HIV वायरस है वो आता है, इसके अलावा ब्रेस्ट फीड जो है मुकम्मल फ्री है हर तरह के इन्फेक्शन से और वायरस से। ब्रेस्ट फीडिंग का ताल्लुक ये है कि अगर पेशेंट इन्फेक्टेड स्टेज में है तो उसके जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, पेशेंट के हस्बैंड, फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट खुद, ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि उसे ब्रेस्ट फीड कराना है या नहीं कराना। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और मैं इससे ज़्यादा खुश होंगी अगर आप इस सब पे अमल करें और अपने और अपने बच्चे की लाइफ का और ग्रोथ का और सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।